₹10 अनलिमिटेड स्ट्रीट फूड नॉनवेज बुफे। लाला प्रसाद उस गांव में एक छोटा सा नॉनवेज होटल चलाते हुए अच्छे से कमाता था। बेटी लतिका का अच्छा रिश्ता तय करके ससुराल भेज दिया। पत्नी का नाम था विशाला। एक दिन बेटी ने प्रसाद को फोन मिलाया। बेटी से बात करने के बाद पत्नी से प्रसाद, विशाला बेटी का फोन था। दामाद की आर्थिक स्थिति हमें पता ही है ना, अब तक कोई भी व्यापार ठीक से नहीं चल पाया तो वे गांव में सबसे उधारी ले लिए। अब तुम्हारे पिता से पूछकर पैसे लेकर आओ, यूँ कहते हुए जिद कर रहा है। उसे किसी भी व्यापार में कोई अनुभव नहीं है, दुनिया के तौर तरीके भी कम जानता है। ये सब मेरे ही कर्म है। अब बेटी बहुत परेशान हो रही है। यूँ कहा विशाला दुखी होकर, क्या करेंगे, बेटी को दिए हैं तो अब दामाद जी का सहारा बनना ही पड़ेगा। दामाद जी को आने के लिए कहो और कुछ नहीं कर सकते ना। यूँ बोली। फिर एक दिन दिलीप आया। लाला प्रसाद, दिलीप अब तक 5-6 व्यापार करे हो ना, तो नुकसान क्यों हुआ, कैसे हुआ? यूँ पूछा दिलीप। अब वो सब मैं पार्टनर्स के साथ मिलकर जो व्यापार किया वो ही थे ससुर जी, पता नहीं कैसे ऐसे हो गया। अब मैं खुद से अच्छा नॉनवेज व्यापार शुरू करने की सोच रहा हूँ। यूँ कहा प्रसाद। नॉनवेज बेचने वाले दुकान छोटे हो या बड़े, सब गांव में गली गली में रहते ही है ना। तुम जो दुकान लगाओगे उसमें क्या स्पेशल होगा कि लोग वहीं आकर खाएंगे? दिलीप, दुकान नहीं ससुर जी, ऊपर से आकर हमसे खरीदेंगे नहीं। शहर में लीशियस नाम का, फ्रेश टू होम नाम का, टेंडर कट्स, ऐसे कई सारे बड़े बड़े कंपनी चिकन मांस, मटन मांस, रोज के कुछ लाखों रुपए का व्यापार करते हैं। उन्हें रोज के कई सारे मुर्गी और बकरी चाहिए होते हैं। उनमें से एक कंपनी मैनेजर को मैं जानता हूँ, इसलिए उनके कंपनी को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवाएगा कहकर मुझसे प्रॉमिस किया था। अब छोटे गाँव में सब सस्ता मिलता है ना, इसलिए सारे सामान इधर कम दाम में खरीदकर उस कंपनी को सप्लाई करूंगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यूं कहा लाला प्रसाद। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए निवेश के पैसे कितने लगेंगे? यूं पूछा दिलीप। यहाँ मुर्गी बकरी वगैरह आप खरीद कर दीजिए ससुर जी, मैं ये सामान लॉरी में ले जाकर सीधे कंपनी वालों को देकर आऊँगा। वे पैसे देते ही आपने जो पैसे निवेश किए वो आपको ला कर दूंगा। ये व्यापार अच्छा लाभ देगा, कस्टमर का इंतजार करते हुए आप जो छोटा होटल चला रहे हो वो बंद कर सकेंगे। सिर्फ मुर्गी बकरी सप्लाई करके आपको जो लाखों का कमीशन मिलेगा उससे आराम से रह सकते हैं। यूँ कहा लाला प्रसाद सोच में था। तब विशाला, और क्या सोच रहे हो जी, कब तक वो होटल में घंटों घंटों बैठे रहोगे? दामाद जी जो आइडिया दे रहे हैं वो अच्छा है, कोई मेहनत भी नहीं है। सामान लॉरी में भेजना ये सब मजदूरों से करा देंगे, और क्या है। यूँ बोली। पत्नी भी ऐसे बोली तो लाला प्रसाद, यहाँ हमारे होटल को रेगुलर मांस सप्लाई करने वाला गुरुराज सिंह से ही मैं सब खरीद कर तुम्हें भेजूंगा। वैसे कितना राशन चाहिए इस महीने के लिए? यूँ पूछा दिलीप। सब अपने पर है ससुर जी, हम जितना भेजेंगे उतना ले लेंगे। पहली बार 4 लाख का सामान भेजते हैं तब वे हमें 4 लाख प्लस 40,000 रुपए देंगे। वे 4,40,000 देते ही मैं आपको 4,20,000 दूंगा। फिर 2 हफ्ते में वे फिर से पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मुर्गियां मिलेंगी वो कहीं नहीं मिलेंगे, तो इस तरह से हमें ही नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा। हमें तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, वही पूछेंगे। यूं कहा दिलीप ने जो कहा वो सही लगने से संतुष्ट होकर प्रसाद, ठीक है दिलीप। यूँ कहा दिलीप। थैंक्स ससुर जी, मैं अभी जाकर वहाँ दूसरे इंतजाम देखता हूँ। वहाँ खर्च के लिए 1 लाख दीजिए, वापस दे दूंगा। आप मुर्गी बकरी सब खरीद कर आंगन में बहुत जगह है ना, वहाँ रखिए, मैं आकर सब लेकर जाता हूँ। यूँ कहा लाला प्रसाद अपने पास जो 1 लाख था वो देकर, ध्यान से खर्च करना बेटा, व्यापार शुरू करने के बाद एक एक पैसा ध्यान से खर्च करना चाहिए, पैसे आ जाएंगे सोचकर ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। यूँ कहा विशाला सर ऊपर करके भगवान को धन्यवाद करते हुए, अब हमारे अच्छे दिन आ ही गए, बेटी को फोन मिलाकर बोलिए तो जरा खुश हो जाएगी वो तो। यूँ बोली। इस तरह वहाँ से दामाद जी चले गए। फिर लाला प्रसाद अपने होटल को गिरवी रखकर मारवाड़ी के पास से 4 लाख लेकर मुर्गी बकरी खरीदकर घर के आंगन में रखा। एक हफ्ता यूं ही बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए,
विशाला, ओ जी और कितना समय, मैं वो मुर्गी बकरियों की देखभाल करते करते तंग आ चुकी हूँ, दामाद जी को एक बार याद तो दिला दीजिए। यूं बोली तब लाला प्रसाद, अब तक 40 बार फोन मिला चुका हूँ, दिलीप नहीं उठा रहा है, बेटी का फोन ऑन ही नहीं है, पता नहीं क्या है ये सब। विशाला, बेटी का फोन भी काम नहीं कर रहा है, यानी मुझे बहुत घबराहट हो रही है जी, रुको बेटी के पड़ोसी घर का नंबर है मेरे पास। कहते हुए विशाला फोन मिलाकर पति से, हे भगवान वो दिलीप कहीं का बेटी को भी जबरदस्ती ले जाकर दुबई में अच्छी नौकरी है कहकर चले गया, उस कमीने पर यकीन करके पैसे दिए, अब ये मुर्गी बकरियों का हम सब क्या करेंगे, कहकर दुखी हुई। लाला प्रसाद सर पकड़कर, जानता था कि उसे जिम्मेदारी वगैरह कुछ नहीं पता, फिर भी उसके जाल में फंस गए, वो गुरुराज सिंह अब ये मुर्गी बकरियां वापस लेने कहे तो लेगा नहीं, कुछ तो करना चाहिए अब। कहा फिर विशाला घर पर अलग अलग टाइप के नॉनवेज आइटम्स बनाई। लाला प्रसाद बंडी पर वो नॉनवेज डिशेस रखा, बंडी पर नॉनवेज अनलिमिटेड बुफे 10 रुपीज ओनली कहकर बोर्ड भी लगवाया। पत्नी से, कल से और 10 लोगों को रखूंगा, सबके लिए खाना बनाओ, उतने लोग बेचेंगे तो ही वो कमीने दामाद जी के बदले कुछ मुर्गी बकरी बेच पाएंगे, जो मिलेगा सो मिलेगा, क्या करे सब हमारे कर्म है, कहकर बंडी ढकेलते हुए निकल गया। वो ऐसे बंडी ढकेलते हुए, आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, 10 रुपीज नॉन वेज बफे, आओ भाई आओ, कहते हुए जा रहा था, तो उसकी पत्नी वो देखकर, हे भगवान, कहकर सर पकड़ ली।